हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीन मरीन। मैं सुधीर आपको स्वागत करता हूं मेरी चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं माय न्यू टाटू लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो कि 10,000 mAh एंड 20C रेटिंग के साथ है। आपको बता दूं, ये बैटरी मैंने इसीलिए परचेज किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा जो H4 680 एलियन क्वाडकॉप्टर है उसको मैं अपग्रेड करना चाह रहा था कि और मुझे और ज़्यादा फ्लाइट टाइम मिले, जिसके लिए मैंने प्रोपेलर भी मतलब ऑलरेडी परचेज कर रखा है 16 इंच का, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखा दिया था आपको। और जिसके साथ मैं ये मैं जो 10,000 mAh बैटरी यूज करने वाला हूँ, जो कि मेरा पास प्रीवियस जो 8,000 mAh 3 सेल के 2 लिथियम पॉलीमर बैटरी थे, जिनको मैं आज सीरीज कनेक्ट करके 6 सेल के तौर पर यूज करता था। तो यहाँ पे मैं एक अपग्रेड ये मतलब बैटरी को करना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने ये परचेज किया है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये बता दूँ आपको, जो मेरे जो पहले जो दोनों बैटरी थे ऑरेंज के 8,000 mAh, जिनका टोटल वेट था 620 ग्राम अप्रॉक्स पर बैटरी, तो 1230 ग्राम की दोनों बैटरी थी, लगभग 1230 या 1250 ग्राम का। बट यहाँ पे जो ये बैटरी आप देख पा रहे होंगे, ये जो बैटरी है ये भी सेम 1.2 kg का है, मतलब प्लस माइनस 10 ग्राम भी हो सकता है, तो मतलब 1200 ग्राम की बैटरी, मतलब 50 ग्राम लाइटर है और 10,000 mAh। तो यहाँ पे एक बढ़िया बात है, जैसे कि मतलब सेम वेट पे 2,000 mAh एक्स्ट्रा कैपेसिटी, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जैसे कि मैंने खोल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पैकिंग के साथ आया है। और सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ साइड को खोलते हैं। ये रहा बैटरी, इसके साथ ये जो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल था कुछ, जिसके ऊपर ये लिखा है जेन से टाटू लिथियम पॉलीमर बैटरी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं, मतलब लिखे हुए हैं, स्टोरेज मोड पे आप कैसे रखेंगे, चार्जिंग कैसे करेंगे, बिफोर चार्जिंग कैसे करेंगे, डिस्चार्जिंग कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये स्टोरेज वाला है। आप देख पा रहे होंगे, आप इसको स्क्रीन शॉट रख के पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा चीज़ लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि अगर 3 मंथ से ज़्यादा रखेंगे बैटरी को, तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी और कितना रूम टेम्परेचर होना चाहिए, और बैटरी का वोल्टेज पर सेल कितना होना चाहिए। तो इसको साइड में रखते हैं। तो काफ़ी बढ़िया पैकिंग में आया था, और मैं आपको बता दूँ एक बड़ा बॉक्स में आया था, जो आप आउटर में था, बहुत बड़ा मतलब बबल रैप के साथ आया था। और ये रहा आपका बैटरी, माय गॉड, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जो ऑरेंज के मुकाबले तो काफ़ी बढ़िया है ये। काफ़ी वजन भी है, जिसका मतलब 1.2 kg का वजन यहाँ पे लिखा हुआ था, और होगा भी, लग भी रहा है 1.2 kg का। मतलब 10,000 mAh, मतलब मेरा जो पुराने बैटरी था उतने ही वजन में 10,000 mAh। और यहाँ पे बढ़िया है, काफ़ी देखते हैं। और इसके साथ मैं यूज करने वाला हूँ मेरा 16 इंच प्रोपेलर, मेरा H4 एलियन में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये कनेक्टर भी कुछ नया कनेक्टर लगा, जिसका नाम है EC5, जिसको मैं चेंज करने वाला हूँ ये एंटी स्पार्क कनेक्टर के साथ। और बैटरी की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर जो उम्मीद है मेरा जो ड्रोन का फ्लाइट टाइम रहेगा, इसके साथ करीब 10 मिनट एक्स्ट्रा फ्लाइट टाइम लेने की मैं कोशिश करूँगा। मतलब अभी जो मेरा बैटरी था करीब 25 मिनट पे फेल से एंगेज हो रहा था, बट यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम ट्राई क्या करना है, मतलब अगर 16 इंच का प्रोपेलर मैं लगा रहा हूँ, तो मेरा ड्रोन में जो टोटल थ्रस्ट है कम से कम 3200 ग्राम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। मतलब सेम सब कुछ रह रहा है, मतलब वजन सब कुछ सेम रहेगा, जैसे कि 3.2 kg का वेट था, वहाँ पे भी 3.2 kg का वेट रहेगा, बल्कि यहाँ पे 150, मतलब 50 ग्राम और लाइटर भी हो रहा है इस बैटरी के जरिए। और 16 इंच प्रोपेलर के साथ थ्रस्ट 3200 ग्राम टोटल पे बढ़ रहा है। तो मतलब मुझे उम्मीद है कि कम से कम ये 40 मिनट से पहले ये तो फेल सेफ एंगेज होना नहीं चाहिए। तो ये बाद में हम देखेंगे जब मैं इसको फिजिकली टेस्ट करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही,
और मैं बस इसको दिखाना चाह रहा था, मतलब आपको, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बैटरी। मतलब आप ख़रीद सकते हैं इसको आरसी मुंबई से, करीब ये आपको 13 to 14,000 के अंदर में आ जाएगा ये यहाँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।